स्फेरिकल ट्रायंगल पार्ट थर्ड के पेपर 8 LNMU के एग्जाम में 2024 में जो आएंगे उससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे कि कोई ABC कोई स्फेरिकल ट्रायंगल है, उसमें यदि थीटा जो है वो आर्क है जो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, वो कॉर्डिनेट मिलते हैं अपोजिट साइड के जिस पॉइंट में उसके ये एंगल है वो, तो हमको प्रूव करना है 2 cot θ cos A/2 इक्वल टू cot b प्लस cot c। ये यहाँ पे कहता है आपको कि ABC एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? स्फेरिकल ट्रायंगल है जिसमें ये जो आर्क है आपका AD आर्क, ये थीटा है जो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और मिलते हैं अपोजिट साइड BC पे, कहाँ पर? पॉइंट D पे। इस प्रकार की ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा है। वही यहाँ लिखे हैं, लेट अस सपोज डेट ABC बी एनी स्फेरिकल ट्रायंगल इन विच आर्क AD इक्वल टू थीटा जो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और मिलते हैं साइड ABC पे, इस प्रकार की ADB बराबर अल्फा है और ADC बराबर पाई माइनस अल्फा है। अब ट्रायंगल लेते हैं ABD में, यहाँ पे cos AD इंटू cos A/2 cos AC इंटू cos A/2, ये लिए हम cot AC इंटू AD इंटू cos A/2 इक्वल टू sin AD इंटू cot AB माइनस sin A/2 इंटू cot α। ये फिर ऐसे ही लेते हैं, हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं कौन से ADC में, ऐसे ही इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल अब लेते हैं हम ADC में। इसमें यहां पर देखिए आप ऐसे सेम नियम, तो cos AD यहां पर भी cos AD लिए इंटू cos A/2 ये इक्वल टू हो गया आपका sin AD और यहाँ cot हो जाएगा आपका AC माइनस हो गया आपका माइनस sin A/2 एंगल लिए हम इंटू में cot एंगल क्या लिए हम पाई माइनस अल्फा ये अब देख ये cot SOC माइनस ए माइनस cot A होता है तो ये आ गया sin AD इंटू cot AC और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये sin A/2 इंटू cot α। इसको ले लिए 2 और 1 और 2 को हमने क्या क्या ऐड किया, जब 1 और 2 को ऐड किए देखिए दोनों आपका सेम है अपने आप पट जाएगा। नाउ 1 प्लस 2 ऐड करने पे ये माइनस वाले ये प्लस वाले आपका कट जाएगा, तो होगा क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सेम है तो दोनों सेम ही रह गया, तो दो बार आया तो रिपीट होगा 2 cos AD इंटू cos A/2 इक्वल टू, इधर ये दोनों भी सेम है यहाँ पे cot AC इसमें आपका cot AC है और ये जो लिखते उसमें आपका हमारा cot AB था तो दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो ये sin AD कॉमन आ गया, रह गया cot AC और प्लस में cot AB ये। अब देखिए ये हो गया हमारा 2 cos AD, ए की का वैल्यू क्या है थीटा है, cos एंगल A/2 इक्वल टू ये sin AD, sin AD क्या है आपका थीटा है, इंटू में cot AC का वैल्यू क्या है बी है और प्लस ये हो गया आपका cot AB का वैल्यू सी है। ये sin थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हम, डिवाइड में आ जाएगा 2 cos/sin cot हो गया cot θ इंटू में ये आपका cos A/2 है इक्वल टू आया क्या, तो ये हो गया हमारा cot B प्लस में cot C ये। अब देखिए रिजल्ट लाना यही है आपका रिजल्ट, यही कहते हैं प्रूफ करने के लिए कि प्रूव करिए कि 2 cot θ cos A/2 इक्वल टू cot B प्लस cot C। तो 2024 से जो कैंडिडेट 2024 में एग्जाम देंगे, जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे
उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। हम चाहेंगे इसको दो बार तीन बार जैसा भी हो इसको बना ले, समझ ले, याद कर ले। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम।